प्रयागराज जनपद के धूमनगंज थाना अंतर्गत उमेश पाल अधिवक्ता एवं एक पुलिसकर्मी के दोहरे हत्याकांड में शामिल एक व्यक्ति सदाकत खान की गिरफ्तारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम बोर्डिंग छात्रावास से की गई, जिसके बारे में कल रात से इस बात का प्रचार सोशल मीडिया एवं अन्य छोटे छोटे न्यूज ग्रुपों में किया जा रहा था कि वह माननीय उच्च न्यायालय में वकालत करता है। आज कार्यालय खुलने पर जब इस सत्यता की जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि सदाकत खान नाम का कोई भी व्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय में पंजीकृत नहीं है, न ही उसने वहाँ पर आवेदन किया है। कहीं न कहीं इस प्रकार की सूचनाएं आज पुनः समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित की गई, इससे अधिवक्ताओं की छवि धूमिल होती है। मैं निवेदन करता हूँ और खंडन भी करता हूँ इस बात की कि इस प्रकार की सूचनाएं न प्रकाशित किया जाए। बिना सत्य की जाँच करने प्रकाशित करने से अधिवक्ताओं की छवि धूमिल होती है, माननीय उच्च न्यायालय की छवि धूमिल होती है। निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार की सूचनाओं पर अंकुश लगाया जाए और लोग प्रचारित न करें। अमरेंदु सिंह, संयुक्त सचिव प्रेस, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद।